वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम सेक्टर पे। वेल, पेट्रोलियम पर बात करेंगे हम, गैसेस पर बात करते हैं हम, एलएनजी पर बात करते हैं हम, एनर्जी मिक्स पर बात करते हैं। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पर पाकिस्तान पे क्या काम हो रहा है, हम एनर्जी मिक्स की बातें कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, 10 ईयर्स के लॉन्ग टर्म प्लान की हम बात कर रहे हैं। आज हम अपनी कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे कि एलएनजी ही क्या सोल्यूशन है पाकिस्तान के क्राइसिस का। कोल की अगर हम बात करें, कोल से हमने कितना फ़ायदा लिया, अगर थर की बात करें तो जो कोल फेज़ 2 का प्रोजेक्ट है वो खासा अच्छे तरीके से फुलफिल हुआ, उसमें नंबर हमें अच्छे मिले, और जिस तरीके से हमने देखा कि एंग्रो के तावुन से आपने ये प्रोजेक्ट किया, ये खासा बेहतर रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जी डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, एनर्जी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री लगाने की बातें हो रही हैं, सी पैक करने की बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके पास जो है आपको सप्लाई पर बहुत काम करना पड़ेगा। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया गया है कॉल के थ्रू, ओवेस मीर साहब ने ज्वाइन किया है, CEO हैं ये डायनेमिक इंजीनियर के। उवेस साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर क्या कहेंगे कि एलएनजी ही क्या सलूशन है पाकिस्तान की क्राइसिस का? एलएनजी इज वन ऑफ द सलूशन, नॉट ऑल द सलूशन। जैसे आपको पता है कि पीछे ओवरऑल बैकग्राउंड आप देखें जी, इससे पहले भी शायद इसके ऊपर बात हुई भी है जी, एलएनजी इज वन ऑफ द टूल, इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक टूल कि जब तक आपकी गैस एफिशिएंट मार्केट है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बट ऑब्वियसली एलएनजी वन ऑफ द ऑप्शन बिसाइड्स मेनी अदर प्राइमरी फ्यूल्स ऑप्शन व्हिच आर अवेलेबल। सर अब मुझे आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, कोल पर कितना हम मज़ीद उससे काम ले सकते हैं, कोल से कॉस्ट वही पड़ रही है, कोई ख़ास कॉस्ट नहीं नज़र आ रही जो चीपर हो आपके लिए, और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में भी जो इस तरह से गैस के नंबर्स में हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है। फिर 3 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी इस विंटर में जो है वो गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और हर जगह चाहे डोमेस्टिक एरियाज हो वहाँ पर गैस मिलेगी। डू यू थिंक इट इज़ ट्रू और लाइक अ पोलिटिकल स्टेटमेंट लाइक ऑल पॉलिटिशियंस सेड एंड कंडक्ट? देखिए जी, अब इसको अगर हम टेक्निकल और व्यू पॉइंट से लें रादर देन टू बी एज अ पॉलिटिकल और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, कि कोल का पहले आपने सवाल किया, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल टूल इन द ओवरऑल एनर्जी मिक्स में, जिसमें कोल का स्कोप जो है वो ओवरऑल अभी तक पाकिस्तान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3-4% है, बट with the addition of this indigenous coal, जिस पे अब गवर्नमेंट का बड़ी सीरियसनेस है ओवर द लास्ट 5-6 years ऑन द थर्ड कोल पे, तो वो अगर ये प्रोजेक्ट आते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनस कोल बेस विच इज माउथ माइंड पावर प्लांट, देन यू हैव अ प्रोपोजिशन, इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन के आप एड ऑन कर सकते हैं टूवर्ड्स मेजर पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए। वन सेकेंड वुड बी कुछ प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेड फ्यूल पे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स एबनॉर्मेलिटी के बेसिस में आते हैं, बिकॉज नॉर्मली जितने भी कोल फाइड पावर प्लांट है दुनिया में वो मेजोरिटी नियर टू द पोर्ट होते हैं या अगर इम्पोर्टेड बेस है और या नियर टू द माउथ माइन होते हैं, तो विद दैट सेड इट इज कुछ प्रोजेक्ट मिड कंट्री में लगे हैं जो कि जिसकी लॉजिस्टिक्स और फीड स्टॉक एक डिफिकल्ट अफेयर होगी हैंडल करने के लिए, तो कोल सर्टनली कैन प्ले अ पिवोटल रोल एंड स्पेशली इंडिजिनस कोल। एंड विद गैस की डिमांड तो जो आपने बात की वो सीजनल डिमांड दुनिया में हर जगह होती है, विच इज कॉल्ड अ पीक शेविंग डिमांड, विंटर में ज्यादा एंड समर में दस, बट इधर जो हमारे पास आगे सबसे बड़ा इशू आना है व्हेन वी हैव अ इंपोर्टेड एलएनजी कमिंग आउट इनटू आवर सिस्टम, वो है बैलेंसिंग ऑफ अ गैस, कि आप अपनी महंगी गैस को अपनी इंडिजिनस सस्ती गैस में कैसे बेस करते हैं, और आगे काफी चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ 18 अमेंडमेंट और जो आप हम गैस अनबंडलिंग की भी बात कर रहे हैं, तो लोकल राइट्स ऑफ प्रोविंशियल रिजर्व्स विद द डिमांड सेंटर जो कि ज्यादा पंजाब में है, हाउ टू गो फिट अप, सो इट इज अ चैलेंजिंग अफेयर, बट ये गवर्नमेंट को एंड रेगुलेटर को और स्टेक होल्डर्स को इसको मैनेज करना पड़ेगा टू मूव इट एफिशिएंटली। अच्छा उवेस, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि जो गैस का प्रॉब्लम हमारे यहाँ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना काम हुआ है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हमेशा रहा पाकिस्तान को, उस पर क्या काम हुआ, ट्रांसमिशन का मुझे बता दीजिए और फिर कंपनीज का बता दीजिएगा कि अब वो क्या काम करेंगे आगे जाकर गैस के हवाले से। देखिए गैस और पावर में दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कनेक्टेड अफेयर विद द डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर आप गैस की पहले बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन
वन ऑफ द मेजर इशू फॉर द सुई कंपनी विच इज श्री नॉर्दर्न, क्योंकि यहाँ पे जो एक कॉन्टेक्ट है यूएफजी का विच इज अनअकाउंटेड फॉर गैस वो काफी मैसिव है ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, जो कि वेस्ट से जो होती है गैस जो कि डिमांड एंड सप्लाई के सिनेरियो में करती है, और क्योंकि अब गैस इज अफिशियल रिसोर्स तो वो उसकी उसकी इस वेस्टेज के डॉलर वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर में जाती है। सो गैस में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हमारी कुछ हेलिंग पाइपलाइन है और कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल अफेयर है विच इज थेफ्ट एंड लीकेजेस थेफ्ट और मेजरिंग एरर, तो ये कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब अगर अगर महंगी गैस आएगी तो उसके अगर महंगी यूएसजी होती है तो दैट कुड बी फर्दर प्रॉब्लमेटिक अफेयर हो सकता है अलाइनमेंट में। जहाँ पे रही पावर में, पावर की पावर का इशू डिफरेंट है, पावर में लीकेजेस के साथ साथ वन ऑफ द इशू विद दी ऑल दी न्यू पावर प्लांट्स कमिंग अप उसमें इवैक्यूएशन, पावर प्लांट तो मैंने लगा लिया, मैंने डेवलपमेंट तो कर दी, बट वॉट वी वुड बी अलाइन दिस कि हमारे पास जो इशू है वो है कि इवैक्यूएशन ऑफ दिस, ये जितने नए लार्ज पावर प्लांट लग रहे हैं स्पेशली बहुत कोल और गैस के, उनकी जो फीडिंग है तो या उसकी ऑपरेटिंग है, विंड का एक इशू है, विंड प्रोजेक्ट स्टॉप लगे हैं और कुछ इन द लाइन है, बट द इशू जो चला आ रहा है क्योंकि उस पावर को जो आप डिवेलप कर रहे हैं वो आगे इवैक्यूएट कैसे होगी डिमांड सेंटर पर, तो ये गवर्नमेंट को पावर लाइन्स बना ट्रांसमिशन लाइन्स को बड़ी जल्दी से करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मेजर पे काम कर रही है विच इज लाहौर मटियारी पाइपलाइन, जो अंडर द GTG चाइना स्टेट ग्रिड को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ऑन डिस्को NTDC में, सो होपफुली दैट कैन बी क्रिएटेड अप इन अ टाइम टू कम। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब थोड़ा सा हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ईरान का वाला मामला उठाएंगे क्योंकि कुछ FTA साइन करने किया था गवर्नमेंट ने ईरान से, और अब ये लग रहा है कि गैस और पाकिस्तान का जो ये गैस पाइपलाइन मंसूबा था ईरान के साथ ये ऑलमोस्ट एबॉलिश भी हो गया, हमने वो नोटिफिकेशन भी देखे। डू यू थिंक इसको सस्टेन किया जा सकता है दोबारा सिफारती सतह पर या इंटरनेशनल फोरम में, अगर हम खारजा पॉलिसी की बात करें, बिकॉज एज फार एज कंसर्न गैस की अभी भी देखें एनर्जी मिक्स की हम बात करते हैं, LNG पर गवर्नमेंट इनहसार कर रही है, तो डू यू थिंक इस प्रोजेक्ट को जो कि इसका पूरा हमने फ्रेमवर्क भी देखा, हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखी जो कि बड़ा फेवरेबल लगा फॉर बोथ कंट्रीज, कुछ सियासी तौर पर कह लीजिए इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, यू बेटर नो, तो अभी इस पर कुछ गुंजाइश है निगोशिएट करने की ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन? हाँ जी, आपका सवाल अच्छा है, जियोपॉलिटिकल नेचर क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी वायबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट का देखें क्रॉस कंट्री के ऊपर गैस डिमांड में हमारा, क्योंकि मुल्क का माशाल्लाह जियोपॉलिटिकल मैप में बड़ी अच्छी पोजीशन में एनर्जी कॉरिडोर के हिसाब से, कभी ये CPEC और चाइनीज ये जितना फिनोमेना देख रहे हैं, बट वन ऑफ द इशू ये है कि ईरान के साथ ऑब्वियसली कोई मैच नहीं है, पाइपलाइन गैस फ्रॉम ईरान शुड बी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड मोस्ट चीपर ऑप्शन, अगर ये कहती भी होती है तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन, दोनों में चैलेंजेस जो है वो जियो पोलिटिकल नेचर में, कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से दे आर द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू द लास्ट से लार्ज स्केल गैस सप्लाई सिक्योरिटी कंसर्न, बस इसमें ईरान पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने पहले टर्म शीट और बायलैटरल एग्रीमेंट किया, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन यू ऑल नो और सारे आपके ऑडियंस को भी पता होगा विच इज मोर देन ऑफ अ टेक्निकल एंड कमर्शियल नेचर, इट इज जियोपॉलिटिकल, बट हैविंग सेड जो आगे हालात बन रहे हैं और इट इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ एनर्जी स्पेसिफिकली गेम ऑफ अ गैस इन दिस होल रीजन, तो यू नेवर नो कि जी आगे आके ईरान और इन द इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना इन दैट रूट जो कि CPEC का रूट है ऑल अलॉन्ग, जिसको वो कहते हैं चाइनीज PNR वन रोड वन बेल्ट, तो उसके एम्बियंट में वी मे हैव दीज प्रोजेक्ट कमिंग इन फॉर श्योर, टैपी के ऊपर काम हो रहा है, टैपी पे वन ऑफ द रूट विच इज कॉस्ट टू फ्रॉम द अफगानिस्तान वाया चैनल पे वो एक इशू है, बट अगर ये उसको रूट को और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी सेक्टर को कवर कर सकते हैं तो टैपी कैन बिकम अ रियलिटी और पाकिस्तान गैस डिमांड सप्लाई आउट।
अच्छा उवैस, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट का हमने मेजर्स देखे, इन्होंने कुछ अच्छे भी किए, कुछ ऐसे काम भी थे जो कि थोड़े बहुत बेहतर नहीं रहे पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता 2 से 3 साल में आपने देखा कि नेचुरल गैस के रिज़र्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ किया या कोई कमेटी बनाई हो, कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाई हो जिसकी वजह से नेचुरल गैस को हम जो है बेनिफिशियल कर सकें या उसकी यूटिलाइजेशन में इजाफा कर सकें? नाउ लेट्स सी द सिचुएशन ऑफ पंजाब प्रोविंस, वहाँ पर तो बिल्कुल रैप ऑफ कर दिया है। सिंध में कभी गैस है कभी नहीं, स्टेशन का हाल आपको पता है। तो गुज़िश्ता 3 साल में क्या प्रोग्रेस है रिगार्डिंग नेचुरल गैस? रिगार्डिंग नेचुरल गैस जो मेन फैक्टर जो आता है वो जी आता है कि आप अपनी जितनी स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल टूल्स के साथ साथ आप अपनी ईएनटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसमें आप अट्रैक्शन में उसमें नए प्लेयर्स को आने के लिए फॉक्स दें और अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन दें, बिकॉज पाकिस्तान में जो ईएनटी सेक्टर है वो काफी मेच्योर है, जिसमें स्टिल टाइट गैस और शेल गैस के डिपॉजिट्स और इंप्लीकेशन मौजूद है, उसको टैप करने वाली बात है अगर तो वो दैट कैन बी एफिशिएंटली टैप, तो ये काफी चीजों की डिमांड एंड सप्लाई को कवर कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज है कि हम पाकिस्तान में एक फिनोमेना है कि जब कोई एक चीज के पीछे लग जाते हैं लोग तो बस वो बस उसके पीछे हाथ धो के लग जाते हैं, इवन एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तो इनफैक्ट अभी ये एलएनजी केस से भी ऐसा ही है, नाउ एवरीबॉडी कंसीडर जी एलएनजी या एलएनजी इज द ऑप्शन व्हिच इज द आंसर, बट देन हम अपने लीजर सेक्टर को ना भूलें। तो ईएनटी सेक्टर में इतना अच्छा इतना एफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। देयर आर कंपनीज हु आर टेकिंग एन एग्जिट इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स और कुछ नए डिपॉजिट्स के ऊपर शेल गैस और पाइप गैस पे जितना काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, बट वी विल होपफुली सी के एनीथिंग एनी प्रोपोजिशन दैट कैन कम इन, देन ऑब्वियसली कंपनीज का भी रोल आता है एंड देन गवर्नमेंट का भी रोल आता है विच इज डीजीपीसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम टू मेक मोर इंटीग्रेटेड कंसोलिडेटेड एफर्ट टू इंक्रीज द ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कॉस्ट। उवैस, आपको बहुत बेहतर पता है क्रूड की बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ चुका है, इंपोर्ट बिल इतना बढ़ चुका है कि हमें प्रॉपर जो है अपने जो मैक्सिमम हमारे सेक्टर्स हो गए उनको शिफ्ट करना पड़ेगा या दीगर सेक्टर के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। डू यू थिंक कि एलएनजी के साथ आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे तो हम तो स्टिल इम्पोर्टर रहेंगे, हमें पाकिस्तान की नेशन को या पाकिस्तान के अकाउंट डेफिसिट पर क्या फ़र्क आएगा? क्योंकि आप आने वाले 5 से 10 सालों में देख रहे हैं कि क्रूड के रेट और सस्ते हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लोग जो है ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जा रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी एनर्जीज की बात करें तो जो मार्केट इंटरनेशनल है उसमें क्रूड का रोल हम ऑयल का इतना ज़्यादा नज़र आता हुआ नहीं देखते, तो डेफिनेटली वो फिर ऑयल सस्ता दस्तयाब होगा इंटरनेशनल मार्केट में। हाउएवर, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट हमारे 10 से 15 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है, क्यों स्ट्रक किया जा रहा है पाकिस्तान की जो नेशन है उसको इम्पोर्ट की तरफ एलएनजी और पेट्रोलियम की अगर बात करें? फ्रूट तो जी आपने जैसे कहा कि फ्रूट तो एक फिनोमेना है, अब तो उसका उसमें एलएनजी का हेड ऐड होगा विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोर ऑब्वियसली पाकिस्तान की और ओवरऑल इंटरनेशनल जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी लक अच्छी है कि पिछले 4-5 सालों से जो ब्रांड की प्राइस है बिकॉज हमारी एल एन जी भी ब्रांड से इंडेक्स है जो यहाँ पे अभी इम्पोर्ट हो रही है, तो ये काइंड ऑफ अ गुड लक है कि अभी तो वो ब्रांड सस्टेनेबल है या अंडर अराउंड 50 रोमिंग अराउंड है। तो मोमेंट वन कैन इमेजिन कि अगर वो 50 क्रॉस होता है देन वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो डेफिसिट है वो और वाइडन होगा, वो इसी वजह है ना कि पॉइंट इज कि अभी आपको हमें कई जगहों पर हमें फाइट फाइटिंग करनी पड़ती है, आपको डिमांड एंड सप्लाई को आप मेजर जो लैकनेस है पाकिस्तान में वो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग का फुकदान है और सिक्योरिटी एनर्जी इंटीग्रेटेड एनर्जी सिक्योरिटी का फुकदान है। तो कभी हम ऑब्वियसली फरस ऑयल और क्रूड की इम्पोर्ट की वजह से ऑल्दो भी आजकल रिफाइनरीज का भी बुरा हाल है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इशू, बट आई थिंक इसका अभी तक इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ये जो अभी गैप है ये उतना ही रहेगा rather than extending it off further at this point of time।
और भाई थैंक यू सो मच उवैस मीर साहब, आप अच्छी डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग एलएनजी, रिगार्डिंग गैस। हमने देखा कि पाकिस्तान को एनर्जी मिक्स पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, पाकिस्तान इस पर काम कर भी रहा है। जियो पोलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने देखे, वो भी डिस्कस किए, इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया। इस सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है, एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे कि लाहौर में इंटरनेशनल यूथ समिट पर इस वक्त क्या पेशरफ्त हो रही है, वो आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।